आपको ज़्यादा सीरियस, बहुत इम्पोर्टेंट सीरियस चीज़ आप मैसेज में डिलीवर करने वाली हूँ, जो यूनिवर्स का मैसेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैसेज यू नो आपको तो पता ही है कि अभी क्या चल रहा है इस टोटल सिनेरियो ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सभी लोग बहुत डिस्टर्ब्ड है, उनको सुशांत सिंह राजपूत इतने कम उम्र में जो मर गए, बहुत लोग इस चीज़ को लेके फ़ायदा भी उठा रहे हैं, नेपोटिज्म एंड मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस अभी सब कुछ बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मैं ये चीज़ को लेके कोई बात तो नहीं करूँगी कि नेपोटिज्म सही है गलत है, नेपोटिज्म हर जगह पे होता है, हर इंडस्ट्री पे होता है। तो आप नेपोटिज्म की वजह से सुशांत राजपूत ने सुसाइड कर लिया या ऐसा कुछ, ये सब के बारे में तो मैं कुछ बात ही नहीं करूँगी, बिकॉज नेपोटिज्म समथिंग हर जगह पे है, हर जगह पे नेपोटिज्म है, हर जगह पे, बॉलीवुड बोलिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स बोलिए, हर जगह पे है। इवन कि हमारे घर में भी, हमारे घर में जो हमारे मम्मी पापा हैं, अगर किसी का घर में बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वहाँ पे आप उस बिज़नेस में जाहिर बात है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना बड़ा पोजीशन जो है, जो मेन लीड पोजीशन है, वो पोजीशन किसी एम्प्लॉय को हमारे घर वाले दे देते हैं। आफ्टरऑल वो पोजीशन घर के कोई सदस्य ही उनको मिलता है, घर के सदस्य को ही मिलता है, या घर वाले ही उसका बाद में वो सारे बिजनेस टेक ओवर करते हैं। इम्पोर्टेंट पोजीशन में घर वाले, घर के कोई सदस्य ही बनते हैं, ना कि कोई एम्प्लॉय बनते हैं जितने साल से भी वो काम करते हो। तो वैसे ही बात है बॉलीवुड में भी, तो उस चीज़ को मैं सही गलत कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज ऑफ द रीज़न। कोई अगर आपको चांस नहीं देना चाहता है, वो अगर नहीं चाहता है कि आप अपने उनके प्रोडक्शन हाउस में काम करें, नहीं चाहते आपसे काम करवाना, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ खास गलत कर रहा है, क्योंकि ये उसकी चॉइस आफ्टरऑल, ठीक है, तो उसी की चॉइस है। इसको लेके इसीलिए मैं नेपोटिज्म बात को लेके मैं आगे कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि ये हर इंसान का उनका अपना निजी फैसला है कि वो किसको काम देगा किसको काम नहीं देगा, वो टैलेंटेड हो या नहीं टैलेंटेड हो वो उसकी मर्ज़ी है, वो कोई डम को उठा के भी अगर वो चांस देना चाहे तो दे सकता है, वो उसकी मर्ज़ी, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते कि तुम्हारे इसके वजह से तो उसने कुछ किया है नहीं किया है। लेकिन सुशांत के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, एंड वो चीज़ नेपोटिज्म चीज़ इन्वॉल्व नहीं है उसमें। सुशांत वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, डेफिनेटली उनके साथ बहुत कुछ हो रहा था, वो गलत हो रहा था, लेकिन वो बहुत बहुत डीप लेवल में बहुत कुछ उनके साथ गलत हो रहा था। एंड एज यू नो, शायद आप लोगों को सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, नॉट ओनली इन एक्टिंग वाइज, मैं नहीं बोलूँगी एक्टिंग में टैलेंटेड, सुशांत सिंह राजपूत से भी बहुत टैलेंटेड एक्टर्स है, ये नहीं बोलूँगी, जो सच है, जो ब्रूटली ऑनेस्ट चीज़ है वो मैं बोलूँगी, लेकिन बात ये है सिर्फ वही चीज़ एक्टिंग ही इंसान का टैलेंट नहीं, उनके पास और भी बहुत टैलेंट था, जो कि आपको पता ही है कि वो एक स्कॉलर थे, कितने ब्राइट स्टूडेंट थे, कितना उनका इंटरेस्ट बहुत वाइड था, उनका एज 34 था, लेकिन उनका जो नॉलेज था ना, उनके सोल का जो नॉलेज था, वो 70 ईयर्स लोग भी उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। उनमें जो नॉलेज थी, उनमें बहुत वाइड रेंज नॉलेज थी, वो आफ्टर डेथ क्या है, ये मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सारे चीज़ को लेके वो बहुत सारे उत्सुक थे, वो यूनिवर्स को लेके बहुत उत्सुक थे, एंड एज ए पर्सन ही वॉज एन अमेजिंग सोल, ही वॉज एन अमेजिंग सोल। सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ का न्यूज़ मुझे मिला, तो मैंने जैसे वीडियो में बोला था कि आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन लेटर ऑन मुझे पता चला कि हाँ सुसाइड है, लेकिन मुझे थोड़ा वियर्ड तो लगा, बिकॉज मुझे मैंने जो पिक्चर देखा था वो पिक्चर, कोई इंसान अपने आप को हैंग कर ले तो वैसा पिक्चर होता नहीं है, फिर भी आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, तो मैंने कुछ ज़्यादा उसमें डेप्थ नहीं डाला। मैंने भगवान से यही प्रे किया, वो जहाँ पे भी है मुझे पता है वो सुखी है, शांति है, अगर उसने सुसाइड किया है जो कि बहुत गलत चीज़ है, तो भगवान उसके आत्मा को स्वीकार कर ले, उनको होल्ड करके ना रखे, क्योंकि अगर इंसान सुसाइड कर लेता है टाइम से आगे वो खुद से चला जाता है, तो वो चीज़ में उनकी जो जर्नी है वो बीच रास्ते में रुक जाती है, एक जगह पे उनको ठहरना पड़ता है बहुत लॉन्ग पीरियड तक, टाइम तक, जब तक उनका अल्टीमेट डेथ टाइम नहीं आ जाता है, ठीक है उसमें। लेकिन यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का
कोई सुइसाइड केस नहीं है, इट इज़ नॉट अ सुइसाइड केस। मैं इस बारे में बात नहीं करती गाइस, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत सबसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जो इतना आवाज़ उठ रहा है ना, बिकॉज ऑफ द रीज़न ही इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद ऑल द पीपल एंड ही सिंग थैंक्स टू ऑल दोज पीपल हु इज रेजिंग देयर वॉइस फॉर हिम। वो बहुत थैंकफुल फील कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, एंड स्पेशली ही इज़ यू नो ही इज़ व्हाट आई विल से, वो कनेक्ट कर रहे हैं, ही इज़ कनेक्टिंग विद द साइकिक्स, वो साइकिक मीडियम जो होते हैं, उन चैनलर्स जो होते हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि उनके लिए वो लोग कुछ मैसेज पास ऑन करें। जैसे आपको पता है बहुत लोग इस चीज़ को लेकर रिसर्च कर रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ, बहुत कुछ हो रहा है। तो मैंने इतने दिन से ना मैंने उतना कुछ देखा नहीं था, बहुत सारा हंगामा हो रहा था एंड ऑल दिस थिंग। सडनली आज कुछ वीडियोस मेरे सामने आए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड ऑल दिस थिंग्स, सुशांत सिंह राजपूत को लेके उन्होंने जो सब किया था, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए मेरे सामने। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भगवान या कोई मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मेरे सामने ऐसा चीज़ें आती रहती है, लेकिन मैं ना कभी कभी ये चीज़ इग्नोर कर देती हूँ, इसीलिए ना मेरे साथ वो चीज़ रैंडमली होती रहती है, रैंडमली ऐसे चीज़ें आते रहेंगे। कुछ दिन पहले ही, मतलब वो उनके डेथ के बाद, मैंने आपको चैनल सॉन्ग दिया था उसके फिल्म से, तो उससे भी पहले 2-3 बार मुझे ये नमो नमो नमो, ये जो केदारनाथ का जो नमो नमो सॉन्ग है, वो सॉन्ग बहुत बार मेरे अंदर ही सुनाई नहीं दिया, मेरे अंदर ही अचानक चैनलिंग हुई, मुझे लग रहा है कि भगवान मुझे कुछ कनेक्ट करना चाह रहे। उसके बाद नेक्स्ट दिन मैंने कुछ वीडियो देखा जिसमें शिवाय था, मुझे तुरंत पता चला। उस वक्त भी मैंने कुछ नहीं देखा, इवन कि आज भी मैंने वो वीडियो देखा, फिर भी मैंने इग्नोर किया, टोटली इग्नोर किया। लेकिन आज उस वीडियो देखने के बाद और कुछ मैसेज सुनने के बाद मेरे को तुरंत पता चल गया, ही इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी, इवन यूनिवर्स मुझे कुछ मैसेज देना चाहते, भगवान शिव स्वयं कुछ मैसेज देना चाहते सुशांत राजपूत के थ्रू, बिकॉज सुशांत राजपूत यू नो शिव भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, एंड ही वॉज़ अ वेरी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, उनको बहुत कुछ पता था, ये सब सोल स्पिरिट ये सब के बारे में बहुत कुछ पता था। तो यू नो एंड उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, यस। और आज भी मैं जब बाथरूम में थी, मेरे को कहाँ से ये गाना मेरे को चैनल हुआ, मतलब गाना सुनाई को दे रहा है, नमो 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 शिवाय, वो वाला जो गाना है यू नो केदारनाथ का, वो वाला फिर से चैनलिंग हुआ। उसके बाद आज इतने सारे हादसे हुए, शिवाय का ट्रेलर एंड ऑल दिस थिंग्स, मेरे को समझ में आया कि भगवान शिव मेरे से कनेक्ट करके ये मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि मैं ना थोड़ी सी कभी कभी ऐसी होती हूँ गाइस कि कुछ चीज़ सोचते रहते हो वो चीज़ इग्नोर करते रहते हो, जब तक वो स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मुझे मिलना चाहिए। और भगवान को पता है कि मेरे से कैसे कैसे क्या चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो कैसे चैनल करवानी है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो है वो सारे मीडियम से, सारे साइकिक से कनेक्ट हो रहे हैं उनका वॉइस बनने के लिए, उनका मैसेज स्प्रेड आउट करने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर तो हुआ ही है, दैट इज़ फॉर श्योर। और उसमें बहुत कोई, मुझे पता नहीं कौन सी पर्सनालिटीज़ है या कौन है नहीं है, डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा जो कोई पर्सनालिटी जो बहुत फेमस है, बहुत रिच पावरफुल है, वैसा कोई इंसान ये सब चीज़ें मैनिपुलेट कर रहा है बहुत गंदी चीज़ के। लेकिन पहले से मुझे एक चीज़ उसके डेथ से हमेशा मुझे जो फील हुआ वो है, ये है कि उसमें कोई लड़की का कोई इन्वॉल्वमेंट है। मैं नेगेटिव सेंस से नहीं बोल रही हूँ, यानी उसकी गर्लफ्रेंड या ये सब चीज़ को ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ये सब चैनल नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कनेक्ट भी नहीं किया है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ों में नहीं बोलूँगी। लेकिन मुझे ये कनेक्ट हुआ है, मैंने ये फील किया डेफिनेटली कि उसके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, एंड दैट वाज वेरी रॉन्ग। इट वाज नॉट अ सुसाइड, इट वाज अ मर्डर, इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। और सुशांत सिंह राजपूत को ये भनक पहले से ही लग गई थी, स्पेशली जिस दिन उनका होने वाला है उस दिन उन्होंने फील किया था, इसीलिए शायद ट्विटर में कुछ दो पोस्ट ऐसे डाले थे, उसके बाद शायद डिलीट कर दिया था उन्होंने। जो भी है ऐसा कुछ तो उन्होंने, जो साइकिक्स होते हैं उनको पता चल जाता है, सिर्फ साइकिक्स को नहीं, जो इंसान मरने वाला होता है ना उसके पहले ही उनको पता चल जाता है कि भाई मेरे साथ कुछ होने वाला है, स्पेशली अगर वो इंसान स्पिरिचुअली अवेकेंड हो तो, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत थे, बहुत ही अवेकेंड सोल थे।
तो ही वॉज अ वेरी नाइस सोल एंड ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंड ट्राइंग टू हाइड समथिंग, या कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज़ था जो जिसके लिए सुशांत राजपूत एक बाधा बने हुए थे, बहुत डेंजर कुछ था, इसीलिए उनको रास्ते से हटाना, क्लीन होना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए ये सब पावरफुल लोगों ने, अभी तक सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं निकला है, ठीक है? इतना कैसा टाइम लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का? अगर इतना तो टाइम लगता नहीं है, और एकदम क्लीन चीज़ है तो इतना कैसे टाइम लग सकता है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान कनेक्ट करके, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है ना, इसके लिए जो उन्होंने ये सब गंदा चीज़ किया है, जो इंसान ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, उनको तो हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा, बहुत हैवी प्राइस, जो हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा वो कभी वो सोच भी नहीं सकते। नॉट बाई है द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बट द हैंड्स ऑफ डिवाइन जस्टिस। जस्टिस तो सर्व होगा, और ये साल 2020, ये अवेकनिंग का टाइम ही, ये जस्टिस का टाइम है। हॉर्न्स ऑफ गैब्रियल हैज़ ब्लोन आउट, जस्टिस विल बी सर्व वेरी सून। जो जो गलत कर रहे हैं उस सब के साथ, उनके सब के साथ, जिसके साथ गलत हुआ है उन सब के साथ जस्टिस सर्व होगा, और बहुत ही ब्रूटली सर्व होगा कि सोच भी नहीं सकते ऐसा भी कुछ हो सकता है उनके साथ। इंसान अगर मर जाए तो क्या प्रॉब्लम है, मर जाने से तो उसका फिर फ्री हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा उन लोगों के साथ बहुत भयानक, उनके लिए बहुत गंदा उन लोगों को पे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, आपका सोल को जब पता होता है कि आप कोई बहुत बड़ा गलत काम आपने किया है, और आप उसको अपने पावर से या किसी चीज़ से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो ना, आपके अंदर इतना डर रहता है ना, इतना डर रहता है, आप हर वो चीज़ से डरोगे, आपके रात की नींद हराम हो जाएगी, हर चीज़ से आपको डर लगने लगेगा, हर चीज़ आपको थ्रेटनिंग लगने लगेगी, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। ये तो पता नहीं है, क्योंकि वो लोग का सोल ही अवेकेंड नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि भाई मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कवर अप कर दूंगा, मैं सब कुछ कवर अप कर दूँ, जो भी इंसान इन्वॉल्व है, आई डोंट नो, तो इसीलिए मैं नाम तो किसी का ले ही नहीं सकती हूँ, लेकिन जस्टिस तो सर्व्ड होगा। और भगवान ये सबको बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, भगवान शिव सबको बोल रहे हैं, पावरफुल इंसान कौन है? तुम्हारे पास पैसा है इसीलिए तुम अपने आप को पावरफुल सोच रहे हो, तुम्हारे पास पोजीशन है, पावर्स है, ताकि तुम सारी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसको तुम पावरफुल बोल रहे हो, वो कुछ पावरफुल नहीं है। भगवान ये बोल रहे, यूनिवर्स डजंट नीड्स पावरफुल पीपल, यूनिवर्स नीड डजंट नीड सक्सेसफुल पीपल, यूनिवर्स नीड दोज पीपल हु आर पीस मेकर्स, हु इज़ गोइंग टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। भगवान को इस दुनिया में वही लोगों की ज़रूरत है जो लोग भगवान को, भगवान के काम में, यूनिवर्स के वाइब्रेशन रेज होने में भगवान को हेल्प करेंगे। वैसे कोई लोग भगवान को ज़रूरत नहीं है कि जो भगवान की इस पृथ्वी को नष्ट करेंगे, गंदा करेंगे, और उन सारे लोगों को जस्टिस मिलेगा। और ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये एक भगवान का कर्स है, हमारे पूरे मदर पूरे पृथ्वी के सारे वासियों के लिए कर्स है भगवान का। भगवान बहुत गुस्से में है, बहुत ही गुस्से में, इंडिया इज़ लिटरली ब्लीडिंग राइट नाउ, इंडिया अभी ब्लीड कर रहा है, बहुत ही ब्लीड कर रहा है, और किसी को अभी भी, बहुत लोगों को अभी भी अवेकनिंग नहीं हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके पास पावर है, वो हर चीज़ से बच जाएंगे, उनको कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं है कि उनके पास कुछ पावर नहीं है। अगर वो यूनिवर्स का वाइब्रेशन रेज करने में किसी को हेल्प नहीं कर सकते, अगर वो मल्टीपल पीपल के लाइफ को हायर वाइब्रेशन में अवेकन नहीं कर सकते, तो उनके पास कुछ पावर नहीं है, उनके वो पावरलेस इंसान है, उनके पास कुछ भी पावर नहीं है। जो इंसान के पास एटलीस्ट एक भी सोल को हायर लेवल पे, हायर लाइट एंड लव एंड लाइट पे जाने को जो इंसान हेल्प कर सकता है, वही इंसान पावरफुल है, और उसी इंसान की ज़रूरत है भगवान को। भगवान ये बोल रहे हैं, वो सारे इंसान, वो सारे गंदगी भगवान हटा देंगे, सारी गंदगी भगवान अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस विल बी सर्व्ड, हॉर्न्स ऑफ गैब्रियल हैज़ ब्लोन आउट, जस्टिस विल बी सर्व्ड। जो लोग ये गंदा काम कर रहे हैं, यूनिवर्स को वाइब्रेशन लो कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि वो लोग के पास पावर है, कुछ पैसा है, इसलिए वो पावरफुल है, कुछ भी कर सकते, ये बहुत गलत फहमी है उन सारे लोगों की। ये भगवान का मैसेज है उन सारे लोगों के लिए जो गलत काम कर रहे हैं। और गाइस, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है इस कोरोना वायरस से। हाँ,
स्टे सेफ, आप लोग सेफ रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो लोग भगवान को हेल्प करते हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, दिल से पुकारते हैं, दिल से सरेंडर कर चुके हैं, और जो लोग यूनिवर्स का वाइब्रेशन सच में रेस करते हैं, जो लोग के लिए जिनके मन में किसी और के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, उनको भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और भगवान हमेशा उन बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जो यूनिवर्स के वाइब्रेशन को रेस करने में, लव एंड लाइट फैलाने में भगवान को हेल्प करता है, यूनिवर्स को हेल्प करता है। तो गाइस, आप लोग तो सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। किसी के लिए मन में कोई भी गंदा चीज़, अगर कभी कभी हमारे मन में कोई हमारे साथ गंदा कुछ करता है, ख़राब कुछ करता है, उनके लिए हमारे दिल से कभी कभी बद्दुआ निकल जाती है, तो वो इंसान है, कभी कभी हो सकता है। फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमारी अंदर में नेगेटिविटी है, उसकी चीज़ के लिए हमारे अंदर में जो नेगेटिविटी है उसके अंदर काम करना है, उसको बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि छोटे चीज़ से ही बढ़ावा मिल जाती है नेगेटिविटी को, और वो अब बढ़ने लगता है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुरंत उस चीज़ को अपने अंदर से निकालिए, उसमें वर्क कीजिए, और भगवान से क्षमा मांग लीजिए इमीडिएटली। भगवान से ज़्यादा पावरफुल, डिवाइन से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कुछ नहीं होता। आप जब डिवाइन से उनकी शक्ति, उनकी लव एंड लाइट मांगेंगे ना, आपके अंदर में जो शैतान बैठा हुआ है, जो हर इंसान में बैठा हुआ रहता है, जो बदमाश, एक गंदी शक्ति जो कोशिश करती है मैनिपुलेट करने की, इंसान को खींचने की कोशिश करती है कि तुम भगवान का रास्ता छोड़ दो और मेरा रास्ता अपनाओ, वो चीज़ हट जाएगी अपने आप से। क्यों डिवाइन फेमिनिन्स को, या जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनको साइकिक अटैक्स होते हैं? बिकॉज साइकिक अटैक्स इसीलिए होते हैं क्योंकि डिवाइनिक एनर्जी कभी नहीं चाहती कि आपका वाइब्रेशन बढ़े। आपका अगर एक इंसान की भी वाइब्रेशन बढ़ती है ना, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए देखिएगा आपके आसपास के लोग, अब जब हाई वाइब्रेशन में हो जाते हो, बहुत डोमिनेट करने की आपको कोशिश करेंगे, आपको और भी ज़्यादा बुरा भला करने की कोशिश करेंगे, आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ द रीज़न, आपका वाइब्रेशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत हाई वाइब्रेशन में आप जा चुके हो, और उन लोगों को उनके अंदर में जो नेगेटिविटी है, जो ईविल एनर्जी, उनको तकलीफ हो रही है, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। लेकिन आप भगवान का हाथ कस के पकड़ के रखो और भगवान के बोलो, हे भगवान, मुझे ये सारे नेगेटिव एनर्जी से दूर रखो, आपके प्रोटेक्शन में रखो। भगवान अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते, कभी नहीं, जो भगवान को भरोसा करते कभी निराश नहीं करते। आप लोग सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, और मैं ही यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रे करें कि उनको जस्टिस मिले। जस्टिस तो मिलेगा, और जो सच्चाई है वो सामने आए। कुछ बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है उसके डेथ में, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है यहाँ पे, बहुत कुछ और भी डेप्थ में है। इट्स नॉट अबाउट नेपोटिज्म, इट इज़ समथिंग वेरी नास्टी, इट्स समथिंग वेरी वेरी नास्टी, कुछ और है जो हम लोग सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो एक मैसेज था, भगवान बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि वो इंसान कोई मायने नहीं रखता है, जिस इंसान के पास पैसा है, वो जो इंसान के पास पावर है एंड ऑल दिस थिंग्स, उनको लगता है वो पावरफुल है, उनको लगता है, और वो स्टूपिड है क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। जब वो यूनिवर्स की हेल्प नहीं कर सकते, यूनिवर्स का वाइब्रेशन बढ़ा नहीं सकते, तब उनके पास काहे का पावर है? कोई इंसान का वाइब्रेशन नहीं बढ़ा सकते, उनके पास क्या पावर है? पावरलेस है। जो इंसान का वाइब्रेशन बढ़ा सकता है, जो इंसान को अंधेरे से खींच के लव एंड लाइट में पहुंचा सकता है, भगवान की रोशनी उनके जो अंदर है, जो डिम हो चुके, उनको फिर से जगा सकता है, वही इंसान पावरफुल है। और वैसे ही बच्चों को भगवान चाहते हैं, और अपने भारे सारे बच्चों को भगवान ये बोल रहे, तुम सब के अंदर मेरी रोशनी है, मेरा पावर है, मेरा लव एंड लाइट एनर्जी है, वो एनर्जी को बढ़ाओ, उस एनर्जी को डिम होने मत दो, डिमिनिश होने मत दो। नेगेटिव एनर्जी है, कोशिश करिए अपना लव एंड लाइट, अपनी जो एनर्जी है, मेरी जो पावर, मेरी जो आशीर्वाद तुम में है, वो लाइट को, उस लाइट को जगाओ, शाइन करो, ब्राइटली शाइन करो, खुश रहो, सबको हेल्प करो जो भी नेगेटिव स्टेट में है, जो भी लो स्टेट में, उन सबको आश्वासन दो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लव एंड लाइट फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, यही मैसेज है भगवान का। कि समझ लीजिए, आप अगर एक इंसान का भी वाइब्रेशन बढ़ा रहे, वो कोई दुखी इंसान को आप
कुछ भी अच्छा बोल के उनको अच्छा फील करवा रहे, इसका मतलब आपका ज़रूरत है यूनिवर्स में. भगवान इज वे सेइंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आर डूइंग गुड वर्क, डोंट थिंक दैट यू आर नॉट नीडेड, यू आर वेरी मच नीडेड. आई नीड पीस मेकर्स, आई नीड लविंग पीपल, आई डोंट नीड सक्सेसफुल पीपल. क्योंकि भगवान को किसी चीज़ से मोह नहीं है, भगवान ये सब इल्यूशन है, भगवान को पता है ये सब कुछ इल्यूशन है. 3D वर्ल्ड में जो भी ये सब कुछ इल्यूशन है. तो गाइस यही मैसेज था जो भगवान शिव की तरफ से है. आपको समझ में ही आ रहा होगा कि आज मेरी चैनलिंग थोड़ी सी डिफरेंट हुई, मेरा एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज ये भगवान शिव की एनर्जी आ रही है. वो बहुत गुस्सा है, बहुत अपसेट है, जो सब ये सब चीज़ कर रहे हैं उन सारे के ऊपर बहुत अपसेट है भगवान. लेकिन भगवान उन सारे बच्चों के लिए बहुत प्राउड भी है, जो बच्चे इस हालत में भी पॉजिटिव है और भगवान को यूनिवर्स को हेल्प कर रहे हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए. और भगवान बोल रहे हैं कि जस्टिस तो सर्व होगा, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं. जो गलत फहमी में है कि वो बच जाएंगे, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, इसीलिए वो मैनिपुलेट कर सकते, कुछ ऐसा हो नहीं होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं. Love and light to you guys. Take care of yourself.